नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है, इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर लिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है, और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं, और काफी ज्यादा बिकती भी है, बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार।
नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर किसानों में उत्साह। प्रदेश भर में किसानों ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर वेट एंड वॉच की स्थिति में किसान। संसद में वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आंदोलन खत्म करने का विचार करेंगे किसान। दिसंबर के पहले हफ्ते में भराड़ी सैन में होगा शीतकालीन सत्र। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, तैयारियां जोरों पर है। और अवैध खनन पर मुख्य सचिव सख्त। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, आदेश किए जारी। आज की सुबह किसानों के लिए एक जीत की खुशखबरी लेकर आई है। पिछले एक साल से किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बैठे थे और आखिरकार किसानों की मांग के आगे केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद जीत किसानों की ही हुई। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि पिछले एक साल में कृषि कानूनों को लेकर क्या कुछ हुआ है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने आज सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है और इस घोषणा को कहीं किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले एक साल से विरोध प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार अब तक तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत उत्तर प्रदेश और पंजाब को मिलाकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कानूनों को भले ही वापस लेने की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन किसान तब तक वापस नहीं लौटने वाले हैं जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की घोषणा पर एक ट्वीट कर कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। किसान भले ही सरकार के इस फैसले से खुश हो, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में किसान है और जब तक संसद से कानून खत्म नहीं हो जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एक साल में किसानों ने शासन प्रशासन के कई रंग रूप देख लिए हैं। पिछले साल बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। 3 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया, जिसके बाद 27 नवंबर 2020 को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़े और फिर हुआ पुलिस और किसानों का आमना सामना। किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई किसान घायल भी हुए, लेकिन किसानों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए और अपने आंदोलन पर डटे रहे और इस आंदोलन में लगातार इजाफा होता गया। हालांकि 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद लगने लगा था कि शायद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन पासा उस वक्त पलट गया जब खत्म होते आंदोलन को देख
राकेश टिकैत भावुक हो गए और फिर उनको मिला राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का समर्थन, जिसके बाद खुद राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि धरना खत्म नहीं होगा, चाहे फिर इसके लिए उन्हें गोली खानी पड़े या फिर लाठी। खत्म होते आंदोलन को फिर से किसानों ने जीवित किया और रातों रात बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और सुबह तक पूरा माहौल बदला हुआ नजर आया था। इस बीच किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन अब जाकर सोई हुई सरकार ने किसानों के हक में एक बेहतर कदम उठाने का काम किया है। हालांकि इस फैसले को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी से चुनावी नुकसान की काफी आशंका है और ऐसे में चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर इस फैसले का स्वागत किया है और विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर विपक्ष ने राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। हम सब ने देखा कि कृषि कानून किसानों के, छोटे किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद भी, अनेक वार्ताएं होने के बाद भी इस पर जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति आज समाप्त हो गई। खुले हृदय से प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लिया है। प्रधानमंत्री जी वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर के चल रहे हैं। ये देश के लिए हितकारी कदम है और जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक रहे थे उनका अवसर समाप्त हो। वही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर पहुंचकर किसानों को बधाई दी है और इसके साथ ही तीन कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के मौके पर केंद्र सरकार का लिया गया फैसला सराहनीय योग्य है। मैं सबसे पहले गुरु नानक जयंती जी की इस पावन पवित्र बेला की, इस त्यौहार की मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये दिन हमेशा हमारे जीवन में आए, खुशहाली लेके आए, मैं वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ। आज तीनों कृषि कानून हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को देखते हुए इसको वापस लेने का जो उन्होंने निर्देश दिया है, मैं इसके लिए समस्त किसान भाइयों की तरफ से मैं मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। गदरपुर में आम आदमी पार्टी ने 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर खुशी जाहिर की है। आप कार्यकर्ताओं ने किसानों को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी याद किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 1 साल पहले सरकार को किसानों का दर्द नजर नहीं आया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही ये फैसला लिया गया है। मैं सुबह मोदी जी का भाषण सुन रहा था, भी हमने समझाने की कोशिश करी, किसानों को समझाने की क्या जरूरत थी, किसानों से समझने की जरूरत थी, गवर्नमेंट समझ नहीं पाई 1 साल तक भी किसान क्या चाहते हैं। जो किसान अपने खून पसीने से खेती करता है, जो इतनी खेती के बारे में वो जानता है, ये नेता और अफसर क्या समझेंगे, उसके बारे में क्या समझाएंगे किसानों को, इनको समझना चाहिए था, समझाना नहीं चाहिए था। वही कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी किसान और सिख समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय किया है, ये मैं अगर अपनी ओर से कहूँ तो ये गुरु नानक देव जी की कृपा और उन्होंने शुद्ध बुद्धि उनको बख्शिश की PM नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने आज के दिन, इस बड़े दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा फैसला लिया। एक इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है किसानों को लेकर के, जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो 3 कानून बने हुए थे, वो 3 कानून आज जो है श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व मौके उन्होंने वापस ले लिए हैं। इसलिए सभी देशवासियों में, सभी देश के किसानों में खुशी की लहर है, सभी जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
इसलिए आज का जो दिन है एक बहुत ही विशेष महत्व वाला है, एक मतलब ऐतिहासिक दिन बन करके आज का दिन रहेगा। वहीं गदरपुर में भी तराई किसान संगठन ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर मीडिया से बातचीत में किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने 700 किसानों की मौत के बाद ये फैसला लिया और इस फैसले को लेने में काफी देरी करी है, मगर जब तक 3 कृषि कानूनों के वापस होने का आदेश जारी नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार करेगा। ये पिछले एक वर्ष की लड़ाई किसानों की है और इस एक वर्ष की लड़ाई को किस तरह से अहिंसात्मक बनाए रखना एक बहुत मुश्किल काम था किसान मोर्चा की तरफ से। किसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए कि इसको अहिंसात्मक आंदोलन एक साल का बनाया गया और कहीं इस अहिंसात्मक लड़ाई का असर हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे 700 से ऊपर किसानों के प्राण भी इसमें चले गए और उनकी शहादतें कहीं रंग लाईं और सरकार को जो है झुकना पड़ा किसानों के आगे, किसानों की शक्ति के आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने कहा कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने हमें सामाजिक एकता, शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। सीएम धामी ने इस प्रकाश उत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से करतारपुर के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अनुमति देने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के हित में कितने संवेदनशील है। आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर को कोरोना के चलते पिछले साल 11 मार्च को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति के सुधार को देखते हुए और कोविड नियमों का पालन कराते हुए करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम और गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने पर अगर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने लापरवाही दिखाई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय में होता था जब उनके बड़े बड़े नेताओं की खनन के क्षेत्र में गोलियां चलती थी, गैंगवार होती थी, वो था अवैध खनन। अब तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सरकार ने इतना सरलीकरण कर दिया है कि कानूनी रूप से खनन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको सरल किया है, सरलीकरण किया है। इसलिए जब इतना सरलीकरण किया है तो किसी भी प्रकार का अवैध खनन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए निर्देशित किया गया है अधिकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इसी के साथ मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर किसानों में उत्साह, प्रदेश भर में किसानों ने मनाया जश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर वेट एंड वॉच की स्थिति में किसान, संसद में वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आंदोलन खत्म करने का विचार करेंगे किसान। दिसंबर के पहले हफ्ते में भराड़ी सैन में होगा शीतकालीन सत्र, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा तैयारियां जोरों पर है। और अवैध खनन पर मुख्य सचिव सख्त, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, आदेश किए जारी। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तर
उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है, और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम कैंडी क्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं, और काफी ज्यादा बिकती भी है, बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। चहुंमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे, इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है, और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम।